हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। यूनिट नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में, वो चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास में टोटल 3 मेथड्स हैं। और उन तीनों मेथड में से सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड था आपके पास में, उत्तर पश्चिम कोणे का नियम, उसको अपने स्टार्ट किए थे, ठीक है। सेकेंड जो मेथड हमारे पास में वो है न्यूनतम लागत व्यय विधि, वो सेकेंड नंबर की मेथड है। और उसके बाद में जो थर्ड नंबर आपके पास में है, वो थर्ड नंबर है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो उसी में अपन क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, उसी मेथड के अंदर फर्स्ट वाले मेथड को भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए, निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। अब इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अपने को सॉल्व करना है। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने आपको करना है फर्स्ट वाले मेथड से, यानी उत्तर पश्चिम कोणे का नियम से, ठीक है। आज वो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन है इधर तो आपके पास में है उद्गम, और इधर आपके पास में है S1, S2, S3, S4, S1, S2, S3 और S4, W1, W2, W3, W1, W2 और यहाँ पे है W3। वैल्यू जो आपका इसमें 684, यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास में वो है 684, ये है 6, ये है 8, ये है 4, 499, 499 और फिर से 9, 126, 12 और ये आपका इसमें है 6, 572, 57 और ये आपका इसमें है 2, ठीक है। और उपलब्ध है आपका इसमें, यानी जो मांग है वो भी लिख देते साथ में, यहाँ पे मांग है आपके पास में, ये देखो मांग कितने की है आपके पास में, 6, 10, 15, 4, 6, 10, 15 और 4। उपलब्ध है 14, 16, 5, 14, 16 और साथ में 5, ये उपलब्ध है आपके पास में। यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, ये आपके पास में है उपलब्ध। ठीक है, ये आपका इसमें मांग और उपलब्ध, ये टेबल आपके सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का टेबल है, ये पहले से गिवन है ऑलरेडी। और इस टाइप की टेबल को आपको सॉल्व करना है उत्तर पश्चिम कोने वाले नियम से। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपके पास में, ये चेक करना है आपको कि ये जो टेबल गिवन है ये संतुलित है परिवहन समस्या या असंतुलित परिवहन समस्या है। यानी सबसे पहले आपको चेक करना है कि परिवहन समस्या जो है वो संतुलित परिवहन समस्या है या असंतुलित परिवहन समस्या है। अगर ये संतुलित परिवहन समस्या है तो ही इसको अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर असंतुलित होगा तो इसमें से आपको डमी ऐड करना पड़ेगा। तो संतुलित और असंतुलित चेक करने के लिए बताया था कि उपलब्ध इकाइयों का योगफल मांग के योगफल के बराबर होना चाहिए। उपलब्ध इकाइयों का योगफल मांग के योगफल के बराबर होना चाहिए। अगर उपलब्ध इकाइयों का योगफल करते हो आप लोग, 16 और 14, 16, 20, 30 और 5, 35, ये हो गया 35। और इधर भी देखो 35 ही होगा आपके पास में, 10, 6, 16, 4, 20 और 15, ये भी हो गया 35। तो जो समस्या आपके पास में है वो कैसी समस्या है, संतुलित समस्या है, ठीक है। और अगर संतुलित समस्या है तो उसके लिए देखो लिखते हैं सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट में दी गई समस्या संतुलित समस्या है
दी गई समस्या संतुलित समस्या है, और अगर संतुलित समस्या होगा तो देखो इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे अपन। अब सॉल्व करने देखो आपके पास वर्किंग फर्स्ट भी पता होनी चाहिए कि जो अवयव देखो उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है उस अवयव की देखो सबसे पहले आप लोग उपलब्ध और मांग में से पूर्ति करोगे, इसी में अपन टेबल में सॉल्व करेंगे। लेकिन लैंग्वेज देखो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, उत्तर पश्चिम कोने में उपस्थित, उत्तर पश्चिम कोने में स्थित, उत्तर पश्चिम कोने में स्थित अवयव, अवयव का क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ति करेंगे, अवयव की पूर्ति करते हैं, पूर्ति करते हैं, सबसे पहले उस अवयव की पूर्ति करते हैं जो उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम कोने में जो स्थित है सबसे पहले अपन उस अवयव की पूर्ति करेंगे, और उस अवयव की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध और मांग में मिनिमम तथा उपलब्ध जो उपलब्ध है आपके पास में और कितने की मांग है, उपलब्ध कॉमा मांग में न्यूनतम, उपलब्ध और मांग में न्यूनतम वाले अवयव से, न्यूनतम वाले अवयव से पूर्ति करते हैं, न्यूनतम वाले अवयव से पूर्ति करते हैं, न्यूनतम वाले अवयव से पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये वर्किंग का फर्स्ट स्टेप है, और जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य हो जाएगा उस पंक्ति या स्तंभ को अपन क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, नए टेबल में उसको अपन हटा देंगे। इसी में बना देता हूँ, आप लोगों को नया टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। इसके अंदर देखो उत्तर पश्चिम कोने में देखो स्थित है सिक्स, तो सिक्स की पूर्ति देखो वहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है, तो इसकी पूर्ति कर दी देखो 6 से, 6 से कर दे ये तो बन गया 0, और ये 14 चेंज हो गया वापस में 8। भाई वो 14 में से 6 तो इसको दे दिए ना, तो 8 ही तो बचा वो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो अपने आप 0 हो जाएगा, यानी जो प्रथम स्तंभ है ये हट जाएगा, अब आपका इसमें शून्य में चला जाएगा। अब देखो क्या क्या लिखा जाएगा, स्टेप नंबर सेकंड पे जाओगे अब तो ये आपका इसमें है स्टेप नंबर सेकंड। जिस पंक्ति या स्तंभ में, जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य क्या क्या हो सकता है, मांग या उपलब्ध, शून्य मांग या उपलब्ध हो, उस पंक्ति को या स्तंभ को, पंक्ति को या ऑब्लिक करके स्तंभ को विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी जिसके अंदर शून्य मिल जाए उस वाले रो को या कॉलम को अपन हटा ही देंगे, स्किप ही कर देंगे। ठीक है, अब जैसे स्किप करोगे तो 0 किस में था, तो बोला डब्ल्यू वन वाले पार्ट में, इसको नाम क्या दे रखे थे, डब्ल्यू वन ही दे रखे थे ना, W1 नहीं S1, S1 हट जाएगा, और S1 हट जाएगा उद्गम में क्या जाएगा, W1, W2, W3 देखो क्या क्या मान रहेगा, उद्गम में रहेगा आपके पास में इधर उद्गम W1, W2 और W3, यहाँ से आपस में S1 हट गया, यहाँ से बच गया आपस में S2, S3 और साथ में S4, और इधर रहेगा आपका उसमें मांग, जो भी मांग है, और इधर रहेगा आपका उसमें उपलब्ध, जो भी उपलब्ध है।
जो भी उपलब्ध है। देखो टेबल के अंदर मान क्या क्या है आपके पास में, वो सारे सारे मान अपन लिखते हैं। W1 S1 तो हट ही चुका है, S2 में आ जाओ। 499 126 499 126 499 126 499 126 और S4 में और देखो 126 हो गया। 572 572, ये आपका इसमें है 5, ये है 7 और ये आपका इसमें है 2। मांग देख लो, मांग कितने की है, ये तो 0 हो चुका है। 10 15 4, यहाँ से तो मान आपका इसमें है 10 15 4, 10 है, ये 15 है और ये 4 है। और उपलब्ध में देख लो, उपलब्ध कितनी है आपका इसमें, तो उपलब्ध आपका इसमें है 8 16 5 8 16 5, 8 यहाँ से, तो यहाँ से 16 और यहाँ से 5। टेबल जो है ना वो टेबल इक्वल होना चाहिए, सारे सारे जो स्टेप है ना वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित होगा तो ही अपन सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो ये टेबल हो गया आपके पास में। ठीक है, अब देखो, अब स्टेप नंबर थर्ड अपन लिखना चाह रहे हैं, तो स्टेप नंबर थर्ड में देखो क्या लिखेंगे। स्टेप थर्ड, फिर से वही काम करना है, पुनः उत्तर पश्चिम कोने में जो स्थित है उस अवयव की मांग की पूर्ति करेंगे। पुनः उत्तर पश्चिम कोने में स्थित, उत्तर पश्चिम कोने में स्थित अवयव अवयव की मांग, अवयव की पूर्ति करते हैं, ऐसे लिख देता हूं, पूर्ति करते हैं। किससे करते हैं पूर्ति, तो मिनिमम होना चाहिए किस किस में, मांग में और उपलब्ध इकाई में, उपलब्ध इकाई में यानी मांग में और जो उपलब्ध इकाई है आपके पास में उनके अंदर जो न्यूनतम अवयव है उस अवयव की अपन पूर्ति करते हैं। और उस अवयव की पूर्ति करते हैं, देखो फिर से उत्तर पश्चिम कोने में जो स्थित है, यानी देखो फिर से देखो इसी टेबल पर हम जाएंगे। अब देखो इसकी पूर्ति अपन कर रहे हैं, 4 की पूर्ति करेंगे अपन, 8 और 10 में से 8 से करती, देखो ये तो बन गया 0 और ये बच गया उसमें 2। यानी देखो अब जो प्रथम वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट इस टेबल के अंदर जो ये फर्स्ट जो है यहाँ पे 0 हो गया ना, ये विलुप्त हो जाएगा स्टेप नंबर थर्ड में। तो स्टेप नंबर देखो थर्ड क्या बन जाएगा आपका इसमें, स्टेप थर्ड, ये फोर्थ, ये थर्ड तो हो चुका है, इसका नाम आ गया फोर्थ। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में, जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य हो, कौमा स्तंभ में मांग या कौमा उपलब्ध इकाई, मांग या कौमा उपलब्ध इकाई, उपलब्ध शून्य हो, उपलब्ध शून्य हो, उस पंक्ति या स्तंभ को, पंक्ति या स्तंभ को शून्य कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, उस पंक्ति या स्तंभ को शून्य कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, उस पंक्ति या स्तंभ को शून्य कर देते हैं। अब इसको शून्य करने के लिए जिस जिसमें आपके पास में है, बोले किस में है, बोले एक में है सिर्फ और सिर्फ, तो ये हट जाएगा, ये हटते ही सिर्फ बचेगा W2 W3। तो देखो यहाँ से मान क्या क्या बचेगा, एक तो बचेगा यहाँ से W2 और W3, तो यहाँ से तो रहेगा W2 और एक रहेगा W3, ये तो हट ही गया।
और इधर से रहेगा बस में एस टू, एस थ्री और एस फोर। एस टू में क्या क्या रहेगा, टू और सिक्स, नाइन और नाइन, ये वाला पार्ट। यहाँ पर रहेगा बस में टू सिक्स, ये रहेगा टू सिक्स, और इसमें रहेगा सेवन और साथ में टू, ये वाला मान रहेगा आपके पास में। अब इनके लिए देख लो फिर से, मांग और उपलब्धि का ही क्या क्या है, 254, ये जो है ना 2154, तो 2 ये 15 और ये 4, ये क्या है आपके पास में, ये तो है मांग, और इधर जो उपलब्ध है वो क्या क्या है, इधर लिख लेते हैं उपलब्ध, उपलब्ध है आपके पास में 16 और 5, ये है 16 और ये आपके पास में है 5। हर स्टेप में देखो न्यूनतम होना चाहिए, सोलर पाँच कितने हो गए 21, इसमें देखो कितने हो गए 15, 4, 19 और 2, 21, संतुलित होगा तो ही हल कर पा रहे हो, संतुलित नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझते रहना। इन सब का योगफल कर रहा हूँ, इनका योगफल और इनका मांग का जो नीचे नीचे लिखा हुआ है, इनका योगफल बराबर होना चाहिए, अगर इनका योगफल बराबर नहीं है तो हल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे देखो अपन नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट पे कैसे कि पुनः वही काम करेंगे जो उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, यानी स्टेप नंबर अब बनेगा अपने पास में फिफ्थ नंबर की स्टेप। देखो फिफ्थ नंबर की स्टेप में देखो अपन क्या लिखेंगे, अब स्टेप फिफ्थ, स्टेप नंबर फिफ्थ, पुनः उत्तर पश्चिम कोने में स्थित, उत्तर पश्चिम कोने में स्थित, उत्तर पश्चिम कोने में स्थित अवयव की पूर्ति करते हैं, पूर्ति करते हैं, किसे पूर्ति करते हैं, न्यूनतम मांग तथा उपलब्ध इकाई में से, मांग तथा उपलब्ध इकाई में। यानी देखो फिर से वही चीज़ कर रहे हो कि जो उत्तर पश्चिम कोने में जो स्थित है, यानी इस नाइन की बात हो रही है, इस नाइन की देखो सबसे पहले पूर्ति होगी, कितने से पूर्ति होगी, मतलब मांग तो है 2, उपलब्ध है 16, यानी इसकी पूर्ति होगी 2 से, और ये बन जाएगा 0। 0 बनते ही देखो अब ये भी हट जाएगा, एस टू भी हट जाएगा, एस टू भी तो खत्म हो गया, एस टू के अलावा जो बचेगा वो देखो क्या क्या बचेगा, एस टू हट गया तो इधर तो वही रहेगा डब्लू टू और डब्लू थ्री, 2x2 की मैट्रिक्स बन गई ना, इधर क्या क्या रहेगा, बोले इधर रहेगा एक एस थ्री और एक रहेगा बस में एस फोर, ये देखो ये मान बचा हुआ है आपके पास में, क्या क्या मान बचेगा, बोले ये तो हट ही गया ये 0 करके, और 0 यहाँ पे 16 को दे दिए आप लोग, क्या 2 दे दिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 14, अंदर आ जाओ, ये हट चुका है एस टू, एस थ्री में क्या है 26, ये है 2 और ये है 6, एस फोर में क्या है 7 और 2, ये क्या है 14 और 5, और ये क्या है 15 और साथ में 4, ये मांग और उपलब्धि का है। 0 किस में है, इस वाले में है 0, तो जिसमें 0 होगा उसी को तो डिलीट करोगे, उसी को तो हटाओगे नेक्स्ट स्टेप में से, तो इस वाले के 0 के कारण इस वाले को अपन स्किप कर दिए नए टेबल के अंदर, जैसे उसको स्किप करोगे देखो अब ये टेबल आ गई, ये सारणी आ गई आपके पास में, अब इस सारणी में फिर से वही काम करना है कि जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, सबसे पहले अपन उसकी पूर्ति करेंगे, जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है सबसे पहले अपन करेंगे, उस अवयव की पूर्ति करोगे सबसे पहले, और उस अवयव की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना आपके पास में
दो की पूर्ति कर रहे हैं, 14 और 15 में से 14 ये हो गया जीरो और ये बच गया आपके पास में वन। तो ये नेक्स्ट स्टेप है आपके पास में, स्टेप फिफ्थ हो गया था, अभी आपके पास में है स्टेप सिक्स, ये आपके पास में है स्टेप नंबर सिक्स, ठीक है। अब स्टेप नंबर सिक्स के अंदर क्या क्या बच गया पहले वो देख लो। स्टेप नंबर सिक्स के अंदर जो जो बची है आपके पास में, कि सबसे पहले देखो क्या करना है, जीरो हो गया देखो इसमें, तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य हो उसको अपन डिलीट कर देते हैं, जिस पंक्ति या स्तंभ में, पंक्ति या स्तंभ में उपलब्ध या कॉमा मांग शून्य हो उस पंक्ति या स्तंभ को, पंक्ति या स्तंभ को हटा देते हैं, हटा देते हैं जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य हो उसको अपन क्या कर देते हैं वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। उसको जैसे रिमूव कर दोगे, रिमूव करते ही देखो मान क्या क्या बच गया, ये जीरो करके देखो ये भी हट जाएगा, अभी जीरो करके हटते देखो अब टेबल क्या बचेगा, ये जीरो हट गया, यानी यहाँ से बचेगा आपका उसमें डब्लू थ्री, और यहाँ से क्या क्या बचेगा बोला, एक तो रह गया एस थ्री और एक रह गया आपका उसमें एस फोर, यहाँ से मान क्या है सिक्स और टू, सिक्स एंड टू, ठीक है। और मान के बाद में देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, बोले ये तो हट गया सिक्स और टू ये हो ही गया, यहाँ पे क्या है आपका उसमें फाइव, और यहाँ पे कितना है आपका उसमें वन और फोर, उत्तर पश्चिम में सिक्स है, सिक्स की पूर्ति वन से करोगे, वन से करते ये तो बन गया जीरो और ये बन गया वन कम करते फोर, टू की पूर्ति हो गई फोर से। लास्ट में तीनों इक्वल होना चाहिए, मांग उपलब्ध इकाई ये दोनों के दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, सम आना चाहिए, तब समझ सकते हो कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही किया है कैलकुलेशन। तो इसकी देखो पूर्ति कब बननी इस वाले से। अब लास्ट में लिखा जाता है क्या इसके लिए, इष्टतम परीक्षण, यानी इष्टतम परीक्षण से देखो इसका मान क्या आएगा वो और लिखेंगे अभी अपन, ठीक है। अतः इष्टतम हल, इष्टतम हल यानी इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो लास्ट वाले से ले रहे हैं अपन, लास्ट वाले में पूर्ति की हो एक तो सिक्स इंटू वन, फिर प्लस टू इंटू फोर, फिर प्लस जैसे जैसे आप लोग किए हो, इससे पहले देखो पूर्ति यहाँ पे किए थे टू इंटू फोर, टू इंटू फोर्टीन, टू इंटू फोर्टीन प्लस यहाँ पे भी हो गया टू इंटू फोर्टीन, 9 इंटू टू ये भी हो गया देखो 9 इंटू टू, 9 इंटू टू फिर प्लस 9 इंटू टू भी हो गया, और देखो कौन सा रह गया यहाँ पे हो गया देखो 9 इंटू टू के लिए, अब देखो यहाँ पे कौन सा बच गया 4 इंटू एट, 4 इंटू एट 6 इंटू सिक्स, 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 4 इंटू एट प्लस 6 इंटू सिक्स, इतने माने ना 1 2 3 4 5 6, टेबल किस में था m प्लस n माइनस 1, m दिखा था रो और कॉलम को, तो 3 s1 s2 s3 3 और ये 4 7 माइनस 1 यानी 6, 6 के देखो पूर्ति होनी चाहिए, टोटल 6 ही माने ना आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल जो पूर्ति होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 6 मानों की ही पूर्ति होनी चाहिए, देख लो। ठीक है, इसको प्लस माइनस वगैरह कर लो तो 6 3 5 आर,
ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इष्टतम हल आएगा, इष्टतम परीक्षण। हालांकि अपन और भी करेंगे आगे जाकर के, एक टेबल बनाएंगे अपन, वो वोगल वाले पार्ट के लिए समझाऊंगा कि टेबल अपन किस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्लियर है उत्तर पश्चिम कोने का नियम, उत्तर पश्चिम कोने के नियम में आपको यही काम करना हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो उत्तर पश्चिम कोने का नियम से। निम्न परिवहन समस्या को निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट वाले मेथड पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या होगा इसमें, F1, F2, F3, इधर तो कोई फैक्ट्री है जो है F1, F2 और यहाँ पे है F3। वेयर हाउस ये आपके पास में है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 21, 17, 32। देखो मान क्या क्या है, 21, 17, 32, W2 का मान दो क्या, 16, 28, 27, 16, 28 और 27, 25, 14, 18, 25, 14 और 18, और W4 है 13, 23, 41, 13, 23, 41। ये टेबल आपका सब पहले से गिवन है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिमाग नहीं लगा ना ये मान कहाँ से लिख रहा है, ये तो फिक्स मान होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। अब इसके साथ में कुछ ना कुछ मांग और उपलब्ध इकाई भी है, वो भी अपन कंसिडर करेंगे, पहले इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। इसी के साथ में आएगा आपका उसमें मांग और उपलब्ध इकाई, ये तो हो गया देखो इस वाले पार्ट के लिए। अब देखो मांग और उपलब्ध इकाई इधर लिख देते हैं, इधर तो आपका उसमें है मांग और इधर लिख रहे हैं अपन कितना उपलब्ध है, इधर अपन लिख रहे हैं उपलब्ध, उपलब्ध क्या क्या है आपके पास में, कितना कितना उपलब्ध है, ठीक है। एक तरफ तो मांग और एक तरफ उपलब्ध। देखो फर्स्ट वाले में मांग क्या क्या है आपके पास में, 6, 10, 12, 15, 6, 10, 12 और 15, 11, 13, 19, 11, 13 और साथ में 19, ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ध्यान से देखना आप। अब इसको देखो आपको फिर से हल करना है, और इसको हल करने के लिए फिर से वही चीज़ है कि सबसे पहला काम आपका यह है स्टेप फर्स्ट के अंदर कि जो टेबल है वो टेबल संतुलित है या असंतुलित है, और अगर संतुलित है तो उस संतुलित वाले को अपन हल करेंगे, और संतुलित होने के लिए उपलब्ध का योगफल और मांग का योगफल दोनों मान होना चाहिए समान। अगर उपलब्ध का योगफल मांग के योगफल के बराबर है तो अपन कहेंगे कि ये संतुलित परिवहन समस्या है, ठीक है। दो इसी के अपन लिख रहे हैं सबसे पहले टेबल नंबर, स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए, स्टेप नंबर देखो फर्स्ट क्या आपके पास में, स्टेप फर्स्ट दी गई समस्या कैसी समस्या आपके पास में, संतुलित परिवहन समस्या है, दी गई समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। क्यों है समस्या परिवहन संतुलित, क्योंकि इनका जो योगफल करोगे 19, 21, 20, 30, 40, 43 आएगा, इनका भी देखो 43 आएगा, 16, 10, 26, 28, 15, 38 और 5, 43, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है 43 है। तो सबसे पहले जो परिवहन समस्या आपका इसमें है गिवन वो 43 है। ठीक है,
अब देखो अगर परिवहन समस्या होगा इसमें इस तरीके से है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर परिवहन समस्या अगर संतुलित है, देखो इसको संतुलित, देखो अपन कैसे हल करेंगे। संतुलित को हल करने के लिए ये टेबल तो ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में ये तो हो ही गया साथ में, अब इसी टेबल में एक साथ ही देखो सारी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो उत्तर पश्चिम कोने में जो स्थित है उस अवयव की पूर्ति करेंगे, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, स्टेप नंबर सेकेंड, जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, उस अवयव की पूर्ति करते हैं, उस अवयव की पूर्ति करते हैं, यानी जो सबसे पहले इधर स्थित है पूर्ति करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल के अंदर जो सबसे पहले स्थित, देखो ये 21 की बात हो रही है, और 21 में 11 और 6 में से पूर्ति करोगे, 6 से इसको कर दिए, सिक्स से करते इसकी वैल्यू कितनी बच गई आपके पास में, 5, 11 चला गया ये बच गई 5, 6 तो दे दिए ना इसको। अब 6 देते ही देखो ये जो है ना फर्स्ट वाला पार्ट ये हट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि 0 हो गया ना देखो इसके अंदर, तो वही चीज़ अपन लिख रहे हैं, करते हैं तथा जिस पंक्ति या स्तंभ में, जिस पंक्ति या स्तंभ में, स्तंभ में शून्य हो उस पंक्ति या स्तंभ को, उस पंक्ति या स्तंभ को हटा देते हैं। अब जिसके अंदर शून्य आ चुका है उसको तो रिमूव करना ही है, तो इसके अंदर देखो बोला शून्य यहाँ पे आ चुका है, और अगर शून्य यहाँ पे आ गया तो उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करते ही देखो अब ये तो खत्म हो गया, अब जो बच्चा इसमें करना है, अब उत्तर पश्चिम में कौन सा स्थित है, बोला फिर सब 16 स्थित है, 16 देखो यहाँ पे 5 और 10, बोला इसको 5, इसको 5 करते ये बन गया 0, और ये बच गया होगा उसमें 10 की जगह। अभी देखो फर्स्ट भी हट गया, ध्यान रखना ये हटा हुआ ही था, ये और हट गया, यानी देखो टेबल में कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ अब इसके लिए, क्या क्या हट गया, F1 नहीं आएगा ध्यान रखना, W1 नहीं आएगा, यानी F2 F3 इधर तो दो ही पार्ट रहेंगे सिर्फ और सिर्फ F2 और साथ में F3, और इधर से देखो क्या क्या रहेगा, W1 हट चुका है, 2, 3, 4, तो 2, 3 एंड यहाँ से 4, वैल्यू क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं, 2, 3, 4 यानी 28, 27, यहाँ से तो है 28 और ये है 27, देखो ये वाला इधर देखो क्या है 14 और 18, तो ये आवास में है 14 और 18, और W4 में और देख लो 23 और 41, तो यहाँ से है 23 एंड 41, ये आगे देखो आपके पास में इसके लिए। अब मांग और उपलब्ध इकाइयाँ और लिख लेते हैं, इसके अंदर तो 13 है और है आपके पास में 19, इधर क्या क्या है 0 करके हट चुका है, 5, 12, 15, 5, 12, 15, 5, 12, 15,
इधर है आपके पास में 5, 12 और 15, 15, 25, 27, 23, 32 सही है, 5, 14 और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज करना है, उत्तर पश्चिम कोने में जो अवयव स्थित है सबसे पहले उस मांग की अपन पूर्ति करेंगे, उसकी पूर्ति करने देखो 28 है सबसे पहले, 13 और 5 में से इसको अपन करेंगे फिल, 5 से 5 करते ये तो बन गया 0 और ये 13 में से 5 दे दिए तो ये कितना बच गया 8, भाई 5 दे दिए ना तो 13 में से 5 चला गया तो कितना बच गया 8, 8 8 और 5 जो बच गया कितना बच गया 13, 8, 5, 13, ठीक है। तो ये हो गया बस में 8, 5, 13 ये वाला पार्ट। अब देखो अब जीरो किस में हो गया, बोला इसमें देखो फिर से जीरो हो गया, तो जीरो होते देखो फिर से हट गया ना ये वाला पार्ट, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे स्टेप नंबर थर्ड में, मैं अब लिख देता हूँ स्टेप नंबर थर्ड करेंगे अपन इसी में सॉल्व। ये नेक्स्ट आपके पास में है स्टेप थर्ड, फिर से वही चीज है, जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य हो, जिस पंक्ति या स्तंभ में क्या शून्य हो, उपलब्ध और मांग, मांग कौमा उपलब्ध, उपलब्ध शून्य हो, शून्य हो उस पंक्ति या स्तंभ को, उस पंक्ति या स्तंभ को हटा देते हैं, हटाना है किसको हटाना है, जिसमें आपके पास में शून्य का मान आ रहा है, शून्य देखो आ रहा है इसमें, इसको हटा दिए, हटाते देखो क्या क्या मान बचेगा यहां से वो देख लो, 14 में देखो आ जाओ सबसे पहले, 14 वाले में देखो क्या रहेगा, अब ये जीरो हो गया तब इस 14 की देखो पूर्ति कर रहे हो, 8 और 12 में से 8, 8 करते देखो ये बन गया 0 और ये बच गया 4, ये 0 थे देखो ये भी हट गया, ये हटा हुआ ही था, अब 18 और 14 में 18 में से 18 में 4 है तो 4 कर दिए तो ये बन गया 0 और ये बच गया 15, अब 41 को कितने से कर दिए 15, देखो लास्ट में देखो बराबर आ गया ना, मांग और उपलब्ध दिखाई आराम से देख लो, मांग और उपलब्ध इकाई जो है लास्ट में क्या आ गया इक्वल आ गया, तो इक्वल ही तो चाहिए था आपको, लास्ट में अगर इक्वल आएगा तो ही तो आपका काम होगा, तो उपलब्ध इकाई और मांग दोनों वाले पार्ट में से क्या हो गया देखो इक्वल आ गया आपके पास में। इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं, स्टेप नंबर 4 में लिख देता हूँ एक साथ ही, टेबल तो देखो बना लिया अपने एक साथ ही, स्टेप नंबर 4 इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, जिससे मांग और उपलब्ध इकाई क्या हो गया लास्ट में बराबर हो जाए, जिससे मांग कौमा उपलब्ध, मांग और उपलब्ध समान हो, मांग और उपलब्ध जो दोनों के दोनों पार्ट हो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, वहां तक देखो आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अब अतः इष्टतम हल, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका उसमें किसके लिए है, इष्टतम हल के लिए है, तो स्टेप नंबर 5 इष्टतम हल, इष्टतम हल के लिए जिस जिसको जितने मांगों से अपन पूर्ति किए हैं उन सबको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके अपने को ऐड करना है, ठीक है। आ जाओ देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, इसके अंदर क्या किया कि 41 वो क्यों 15 से, तो यहाँ पे है 41 इंटू 15 फिर प्लस 18 इंटू 4, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाले में आ जाओ 14 इंटू 8
14 इंटू 8 प्लस 28 इंटू 5 प्लस 28 इंटू 5 ठीक है। फिर प्लस अब नेक्स्ट टेबल जो था उसमें से मान और देखो क्या क्या हो गया। ये तो हो गया इस वाले के अंदर, इससे पहले वाले जो मान था आपका उसमें 21 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 5 ये किसके लिए है? सबसे देखो लास्ट लास्ट वाला जो मान था उन सब के लिए, ठीक है देख लो। इसका है आपका उसमें 635, ध्यान रखना आंसर। इससे पहले जो सॉल्व किए थे, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किए थे उसके लिए 635 नहीं था, उसके लिए जो आपके पास में ऑप्शन था उनको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखोगे आप लोग तो 128 था उस वाले के लिए, उसका 65 नहीं था, 128 था उसका। देखो करके आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपन लिखे थे इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए, देखो यहाँ पे 635 जो लिखे थे ये वाला मान, देखो ये वाला मान इसके लिए नहीं है, वन टू एट है। इसको जब आप लोग करोगे मल्टीप्लाई वगैरह तो यहाँ से 128 आएगा, इसका आंसर ये नहीं आएगा, देख सकते हो यहाँ से फर्स्ट वाला मान तो आ गया आपका इसमें 6, फिर ये वाला मान हो गया आपका इसमें 8, 14 और ये 28 ये भी हट गया, 18 और 32 और ये 36, इन सबको ऐड करके देख लो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी आपके पास में, ठीक है। इन सब 6, 8, 28 हो गया, फिर हो गया आपका उसमें 18, ये हो गया 18, ये हो गया 32, ये हो गया 32, ये वाला भी हो गया, ये 36, ये टोटल ऐड करना था आपको 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32, 32 और 6, 38 के 8 हासिल 3, 3, 2, 5, 6, 3, 9 और 3, 12 128 ये इसका आएगा 128। और अभी अपन जो लास्ट वाला पार्ट किए हैं इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये जो वैल्यू है आपके पास आनी चाहिए वो 635 आना चाहिए इसके लिए, चेक कर लो आराम से देख लो 635 आनी चाहिए इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। यानी आपको हर क्वेश्चन में अब बोलोगे टेबल वगैरह, आपको एक भी टेबल में आप लोग सॉल्व कर सकते थे, जैसे फर्स्ट टेबल बना रखे हो आप लोगों ने, इसी वाले टेबल के अंदर आप लोग सारे सारे पार्ट एक साथ ही फिल कर दो। कैसे? ये कर दिए पहले जीरो हो गई, ये हट गया, इसमें से करना था इसमें 16 को 5 को कर देते हो इस वाले पार्ट से, ये भी हट गया, 5 कर दिए 10 से तो ये जीरो है तो ये भी हट गया। अब देखो इतना बच गया, 28 को फिर से करोगे तो 28 को फिर से कर दिया आप लोगों के सिर्फ 5 से, ये जीरो हो गया, ये भी फिर से हट गया, ये दे दिए 5 तो 8 बचा, 8 बचती देखो यहाँ से बच गया 14 और 12 वाले, 14 को कर दिए फिर से 8, ये बन गया 4, ये बच गया आपका उसमें 0, ये भी हट गया 18 में 4 और 19, 4 कर दिए बन गया 0 और ये बच गया 15, फिर 41 को कर दिए कितने से 15 से। तो एक भी टेबल में आप लोग कर सकते हो लेकिन स्टेप आपको अलग अलग बना बना के लिखना पड़ेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर थर्ड, हर स्टेप आपको बनाना पड़ेगा एवरी स्टेप को, जितनी भी स्टेप है उन सभी स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना, ठीक है। न्यूनतम लागत व्यय विधि यानी मेथड नंबर सेकेंड, ये जो मेथड था आपके पास में इसका नाम था उत्तर पश्चिम कोणीय का नियम। सेकेंड जो मेथड है आपके पास में न्यूनतम लागत व्यय विधि, बस एक बार देख लो कि इस पूरे टेबल में से बस इतना ही कहता है कि जो अवयव सबसे न्यूनतम है सबसे पहले उसकी पूर्ति करो। इसमें तो क्या था कि जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है वहीं से आपको एंट्री करनी स्टार्ट करनी है, जबकि न्यूनतम लागत व्यय विधि में क्या है कि जिस अवयव जो अवयव सबसे न्यूनतम हो सबसे पहले उसकी पूर्ति करनी है, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।